सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी कन्वेनर अठन साल का जी सिंध महादी अस गडा न इतिहाद में खाउड़ी कारकुन लेखक मजामती अगवान अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध के सदर कॉमरेड बख्शल थलो के गुजारिश है तो अचे तो मुखातिब थे। कॉमरेड बख्शल थलो सदर अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध एंड कन्वेनर सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी। मेहरबानी सनावर सीएन जित पेर न पखियुन उत खाउड़िन वरडी वण स्टेज ते वेठल जी सिंध महाज जी मान क्यादत सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी जा अगवान दोस्त ए बया मेहमान साथी इन हाल में वेठल जी सिंध महाज जा कारकुन पुरत भायरो भेनरो जी सिंध समेत पूरी दुनिया जो पूरे दवा सब का पहरी तो तहां सब के साईं जी एम सेठ जी 170 सालगिरह जो लख लख वाधायूं ही कामयाब मेड़ा को करण जो भी लख लख वाधायूं। साईं तमाम बड़ी शख्सियत आ हुन कॉम्प्रेस सिंध जी कॉम्प्रेस सियासत छापा बंबई का अलहदगी वो दौर हो मुखालिफ वो दौर हो 70-80 दहाके वो दौर हो मूँ ते गाल बोल रखण मुख्तसर वक्त में तमाम दुख्य कम आ चाहस जी एस एन महावी कॉन्फ्रेंस जरूर थे घुर्जे जैमें असा पाँ अगवाणन रहबरन ते गलाए सकूं खुली करे गलाए सकूं। आम तौर ते एकड़ो रवैयो आ साईं जे बारे में नबी बख्श बलोच जी एम सेठ के हवाले से कतई मुखालफत कतई हिमायत वाले दौर में रहूं था पे अना शायद एकड़ो बो दौर घुर्जे जैमें अस इन मानू के कद अहमियत का वाकिफ थी सकूं। थे तो जी खालिद भी साथी गाल कई तो तनकीदू थन थी इल्ज़ाम लगन था रियासत पांजी पूरी प्रोपेगेंडा मशीन लाए थी उन नतीजे में असा भी दिफा कदड़ बनजी वनू था लाजमन मानू आ उनको के खोटू भी होंदियों सियासत में किथे के कमाल फैसला पर के गलत फैसला भी थी सकन था पर वो सब अस छो तो रियासत उनते तनकीद करे थी अस जन दिफाई पोजिशन में अची था वो यो सागो हाल सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो भी थो पे दिफा कंदा रहा कदें रूस की कदें चीन की खबर तरह पी तो मामला मटिजी वो अस ओचित वही हथ पटियां तेजो अकीदतमंद नानो रवैयो अगे अस ओढ़ा में उछली यो अस कें रीत भी फायदेमंद को चवी तो सरमाएदारी तनकीद मार्क्स मुस्तकबिल सोशलिस्ट कैम करे थी पी बो माजी का भी थी जागीरदार भी परेशान आ सरमाएदारी का उनको असर रसूख भी टुटे पो तनकीदू रुजती कैम्प में भी तरकीबेशन कैम्प में भी तेज कर वरी छाती वरी नजर करनी पवी जो साई से न सिर्फ साई से पर जी भी तमाम वा मू रहा सिंध की सियासत के हवाले से उन तरकीब पसंद नुक्ते निगाह का तनकीदू कर सब तरह ही पांजे माजी का सीखी सकंदासीं। जर्मन डाओ फिलोसोफ नेटशे चवंदो तो कौमू बो कुछ भी को सत अठ मानू जो चौधारी मानू जो अंबो है सत अठ दह मानू मैं समझा तो जीएम से सभी का सगारो मानू रो जिनके चौधारी सिंधी कौम जो ही अंबो गठल वो मरकजी किरदार हालत यह है जुल्म आ जबर आ कुदरती वसीलन में मालामाल सिंध की हालत यह है अस एड्स हेपेटाइटिस जड़ी बीमार में मरूं था काथे भी का वाहर को बेरोजगारी की इंतहा यह है ताजो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बुधा पे 1500 नौकरियों ने 6.5 लाख फार्म नौजवान भरे
हेडी वड़ी बेरोजगारी हेडी वड़ी बुख बदहाली ये छो आ इन जे पुठिया कौमी तबकाती जबर आ ही रियासत आ उन जा सना खान हुकुमरान हैं जेके अगे तो लिख छप में कदा हा जी हजूरी हाँ जूता टॉक शोज में खी था अचन उते था वेठा चटीन टॉक शोज में खी था अचन बूट असं से तो ये जी हुकुमरान तबक की सियासत आ जहाँ चौवी कलाक जमहूरियत जमहूरियत की कौम कौम भी की आवाम आवाम जो ड्रामो भी की जैसे वक्त अचे तो पो उन मथा तो सब एक वन नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई सब आर्मी एक्ट के हवा से एक वन इी शुधाए थी तो बबा अस आवाम जो भलो थो असो माजी मोटाइण पवन पांजे माजी ना दिसणो पवंदो मज़ाहमती किरदार सीखणो पवंदो उहे ई असांजे आवाम जा भरजल हुई इल्ज़ामनि जी जेसिताईं ॻाल्हि आहे रियासत भले छॾे उन्हनि खे गद्दार सॾे जेका रियासत आवाम दुश्मन आहे उन रियासत जो गद्दार हुअण एज़ाज़ आहे जेका रियासत क़ौम दुश्मन आहे उन रियासती निज़ाम जे अंदरि गद्दारी एज़ाज़ आहे उहो एज़ाज़ जे लाइ फैज़ चयो तो वो हम ही थे जिनके लिबास पर सर राह स्याही लिखी गई वही दाग तन पे सजा के हम सर बज में यार चले गए ये एजाज है असाज लाए तुझे करे इन हालतुन में जरे हर किस्म जो जबर हुजे दुनिया सजी बढ़धक इंतिशार जो शिकार हुजे माहौलियती सवाल एतरो शदीद थी वियो जो धरती जो गोलो हथन में वेंदो हुजे हयाती हथन में वेंदी हुजे अक्टूबर 2018 की एक रिपोर्ट हुई तो दुनिया जब 90% बार जहरीली हवा में साह था खड़ा ये एडो बदबूदार एडो इंसान हयात दुश्मन निज़ाम आ जिनकी चोटी से मुनाफो आ वो हर शे के तबाह तो करे हर शे के तबाह तो करे हवा के भी तबाह कर छस खराब कर छस यानी अस पे निज़ाम आ जैमें असो मुस्तकबिल भी बीमार क्यों था वह तेज सवाल यो 70-80 के दहाके वांगे सिर्फ कौमी तबका थी कोने सवाल असो माहौलियात जो भी असत मज़ाहमती सियासत जो बुनियाद होजन घुर्जे सिन्फी सवाल भी अस मज़ाहमती सियासत जो बुनियाद होजन घुर्जे पिदरशाही माहौलियात के सवाल के डील कर बगैर अस मामला भी ना कर सकूँ लख शाबस आ जी एस एन महाज के ढी खुशी थी पैं भेनुन अमड़ियों की एडी शिरकत दिसा तो पो रिवायत या रिवायत तमाम कमाल आ कौम पर सियासत के अंदर हर तरक्की पसंद रुझान के रिवायत के जी एस एन महाज सांढ़ी आई उनके लख शाबस दिया पो पर एक गुजारिश भी इतने रख तो चाहें तो अस बार वा तमाम नंढी गाल मू घा मार्क्स तमाम वो मू जनाजे नमाज में 10 मू बीठा पर उनकी घटताई को एकड़ो मानू लख थे तो जे हु सच चवे तो जीएम सेठ जा पोए लगायो तो पो तहां के एकड़े एकड़े मानू जी अहमियत जो भी अंदाजो तो थिंदो ना तो हक सच जी गाल थे सच बिज वांगे थिंदो आ जतरो भी हुकुमरान गासिब कुवत उन के दबाई दियु वो वरी नवा रंग वठी वरी फुटंदो आ वो फुटंदो रहंदो असा के इन दौर में सिंधी कौम के सिर्फ सिंधी गालाइंदड़न ते महदूद करण वारी गलती न करण घुर्जे सिंधी कौम घण लिसानी घण सकाफती खितो आ अगर अस वरी नजर कंदासीं धरती धणी आयो यो बार भी असां ते आ असां पांजो पान के खामा खा डोही चवंदा आहियूं अदा असां सिंधी मेहमान नवाज थी वियासीं धारियाबाद करी आई असांखे नुकसान थियो धारियाबाद करी जो नुकसान आहे पर ओॾां बि सियासी रवैयो थींदो नफ़रत माम माण्हू खां न कबी नफ़रत निज़ाम खां ऐं रियासत खां कबी जेका हुनजे पुठियां आहे असां पंहिंजे मेहमान नवाज़ी जहिड़े गुणनि खे बि ख़राबु चवंदा आहियूं वताए जी ॻाल्हि कंदा आहिनि हुनजी ढगी चोरी थी वई ॻोठ वारा आयासीं हुननि चयोसि त बाबा हिकिड़े चयो था मैं त वताए को आखिया त बाबा लोढ़ा निभावे पर लोढ़ा बि कोन निभायुसि कंहिं चयोसि बाबा मां चयोमांसि फ़क़ीर कुतो धार कुतो बि कोन धारियईं कंहिं टीं ॻाल्हि कई कंहिं चोथीं ॻाल्हि कई नेठि वतायो थी बीठो त बाबा को ॾोह चोर जो बि आहे सभु ॾोह मुंहिंजा आहिनि सो ॾोह सभु असां पाण ते तनक़ीद थियणु भली ॻाल्हि आहे पर हुकुमरान जेके असांखे असांजे तनक़ीदूं कनि था उहा तनक़ीद असांखे वरजाइण जी ज़रूरत कोन्हे
असां पंहिंजी अख सां पाण ते तनक़ीदी थींदासीं, पंहिंजी सियासत ते बि थींदासीं, पंहिंजे अॻवाननि ते बि थींदासीं, नवां रस्ता कढंदासीं। तारीख़ हमेशह महकूम ऐं मज़लूमनि जे पासे हूंदी आहे, ग़ासबनि जे पासे न आहे हूंदी। ऐं इहो यकीन आहे असांखे तारीख़ जे शागिर्द हुअण जे नाते महकूम ऐं मज़लूमनि जे पासे इहो वक़्तु वरंदो वरंदो आहे। इहो असां इहो फेरो आहे तारीख़ जे अंदरि। सो तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी, ॿिया दोस्त बि वेठा आहिनि मुक़ररु, मां घणो वक़्तु न वठंदुसि। सदाई गॾु जीअं सिंध।